हटिब गुलामगिरीर निशाना ब्रिटिश अमलर आईन। आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट रहिब नवकलबर। दंड नुहे न्याय पय हेब आईन। संसद रे तीन नुआ बिल आनिले गृहमंत्री अमित शाह। अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 1860 मसीहार सीआरपीसी बदल रहेबो भारतीय न्याय संहिता आईन। 1898 मसीहार आईपीसी हेबो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेहीपरि 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट हेबो भारतीय साक्ष्य आईन। ब्रिटिश अमलर ए तीन आईन रे आमूलचूल परिवर्तन हेबो। आईपीसी रे थिला 511 टी धारा, एबे रहिबो 356 टी धारा। 17 टी धारा बदलिबो, 8टी नुवा धारा जोडा हेबो ओ 22टी संपूर्ण हटिबो। सीआरपीसी रे 533 टी धारा रहिबो, 160 टी बदलिबो, 9टी नुवा धारा जोडी हेबो ओ 9टी धारा उच्छेद हेबो। एविडेंस एक्ट रे थिला 167 धारा, एबे रहिबो 170 धारा। 23टी धारा बदलिबो, गोटे नुआ जोड़ा हेबो एवं 5टी धारा उच्छेद हेबो। जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे, अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। संशोधित आईन अनुसार नाबालिका दुष्कर्म अपराध पर सर्वाधिक फांसी दंड दिया जाइबो। मॉब लिंचिंग बा भिड़ द्वारा हत्या भली मामला रे सर्वाधिक फांसी दंड मिलिबो। प्रथम चैप्टर रे महिला और शिशु विरुद्ध होता अपराध पर दंड विधान व्यवस्था रहिबो। गैंगरेप पर 20 वर्ष कारादंड व्यवस्था रहिबो। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड, तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। दाऊद इब्राहिम भाई पलातक अपराधी अनुपस्थित रे भी ट्रायल चलो, अपराधी को सजा मिल। मोबाइल और चेन स्नाचिंग पर अपराध पर भी दंड विधान व्यवस्था रहिबो। 7 वर्ष अधिक सजा थी अपराध पर फोरेन्सिक टीम क्राइम सीन को जीव। 153 वर्ष पुराना राजद्रोह अपराध संपूर्ण उच्छेद हेबो। न्यायिक प्रक्रिया को त्वरान्वित करने को इलेक्ट्रोनिक और अत्याधुनिक डिजिटल व्यवस्था ग्रहण कर। दंड विधान हार को 90% करने लक्ष्य में पुराना आईन में आमूलचूल संशोधन कर। मान्यवर, ये कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दो सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है, वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। ब्रिटिश अमलर ए तीन आईन संशोधन को विभिन्न महलर स्वागत करा जाइछि। आज जोटा मान्यवर गृहमंत्री बिल उपस्थापना कले सामग्रिक भाव ये सबुर व्यापक परिवर्तन करिया एवं आईन रो सरलीकरण करिया एबे वकील माने सांगे सांगे साधारण लोक आईनटा को बुझिबे एवं निजकु निर्दोष प्रमाणित करिया सेमानकर बुद्धि प्रयोग करि पारिबे। It is a good beginning and I am really grateful that I am, including my party members and perhaps all of us, are witness to the history in making, because after so many years our wishes are being fulfilled. तेणु आम समस्त स्वागत करने कथा स्वागत यहीपाई करवा जे आम आज पूर्ण मात्र आईनगत दृष्टि ब्रिटिशर मान पाखु मुक्ति हलु 75 वर्ष पर। पुरुणा ब्रिटिश आईन परिवर्तन पर 4 वर्ष धरी कसरत चलता बेले 18 राज्य, 6 केन्द्रशासित अंचल, सुप्रीमकोर्ट, 16 हाइकोर्ट, आईन विश्वविद्यालय, 142 जन सांसद,
270 ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବିଲ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।